हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिमानी स्पेशल। आज मैं नवरात्रि स्पेशल बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और खाते ही ये मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए ना मावा, ना मिल्क पाउडर और ना ही हम कोकोनट का यूज़ करेंगे। सिर्फ एक गिलास दूध से बनकर ये तैयार होती है। इसको आप दो तरह से सर्व कर सकते हैं, जिसे मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी स्टेप स्किप ना हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताई हैं। लास्ट में आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। पहले हमने 4 से 5 आलू ले लेने हैं, इनको बॉयल करना है। आप इसको माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हो। अब आप इसको कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस तरह से इसको स्मैश कर सकते हो। सभी आलूओं को हमने स्मैश कर लिया है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। उसके बाद हम एक ट्रे लेंगे और इसमें घी लगाकर इसको ग्रीस करेंगे। मैं इसको स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ, आप इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है, जिसमें से आधा कप मैंने चीनी कढ़ाई में डाल दी है और इसको हम इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। एक बात का ध्यान रखें कि चीनी को हमने तब तक पकाना है जब तक ये कलर चेंज ना कर दे। ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही मेल्ट हो, मेल्ट होने तक इसको हम नहीं पकाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। इसको आप लगातार चलाते रहिए। इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, नहीं तो ये चाशनी का रूप ले लेगी। अब हम 1 कप फ्रेश इसमें मलाई डालेंगे। अगर आप इसमें मलाई नहीं डालना चाहते तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, और जो आधी बचाई हुई चीनी है वो भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ही यूज़ किया है। दूध को हम बॉईल आने तक पकाएंगे। अगर इसमें चीनी मेल्ट नहीं हुई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप इसमें मेल्ट हो जाएगी जब हम इसमें आलू डालेंगे। दूध में बॉईल आने के बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसको हम फिर लगातार चलाते रहेंगे। आलू को डालने के बाद अगर आपको इसमें आलू के पीस थोड़ा ऐसे लगे कि ये बड़े हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सब बिल्कुल ही मेल्ट हो जाते हैं जब तक ये बनकर तैयार होते हैं। तो इसको हम लगातार चलाते रहें। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे पका सकते हैं और प्लेट ढक के, क्योंकि इसमें से थोड़ा छींटा भी निकल रहा है। ऐसे ये देखिए, ये छींटे भी निकलने लग गए हैं इसमें से। इसको आप लो फ्लेम पे लगातार चलाते रहिए। ये जितना पकेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। तो हमने तब तक पकाना है जैसे कि हम आटे का हलवा बनाते हैं ना, और वो ऐसे सूख जाता है जैसे पानी ख़त्म होने के बाद, देखिए इस तरह से। अब हम इसको स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो, लेकिन नॉन स्टिक कढ़ाई में अगर इसको बनाते हैं तो ये ऐसे चिपकेगा नहीं। ये देखिए, इसको फिर चलाएंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ऐसे ये चलने लग गया, जैसे आटे का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही ये रूप ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमको इसका डो चाहिए। ये अभी बनकर तैयार है तो हम घी लगी हुई ट्रे में निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में बताया था कि आप इसको 2 तरह से सर्व कर सकते हो, तो उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप इसको गरम गरम परोस सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए, अगर इसको फैलाते हुए थोड़ा सा हमने चम्मच पे घी लगा लेना है और इसको अच्छे से फैला देंगे, और इसको अब हम अच्छे से सेट करके रूम टेम्परेचर पे रख दें, या आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा तरीका अपनाते हो।
लेकिन अगर आप इसको गर्म गर्म भी खाते हो ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से बना के अगर बर्फ़ी की शेप दे रहे हो तो आप इसको एक दिन दो दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। आप इसको अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार है। और अगर आप किसी को खिलाएंगे ना तो कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये किससे बनी है, और ये बहुत ही सॉफ्ट भी है। उसके बाद अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कीजिए।